देखते रहना, गलती बनेगा तो बोलना तू लोग। 64 Q है ना, 64 A Q, इसको कैसे लिख सकते हैं? चार का ना, 8 का करोगे तो 8 64 ना, 4 का क्यूब ना कर देंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 बच्चा, 16 16 64। और उसी तरह 27 का क्या हो जाएगा? 3। तोड़ रहा है देखो, 144 लाना है तो सूत्र पे तोड़ रहा है, 3 × 4 A × 3। कोष्ट में वही चीज लिख देगा, फिर समझा दो इन लोगों को कि गुणा करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं 144। गुणा करिए वहां पे, 3 × 4 = 12। बताओ इन लोगों को, इधर 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 वाला, हाँ इधर वाला, 36। आज 36 करके दिखा दो, 36 होगा ना, 36 में जब हम कितना का करेंगे? 4 का, 4 × 3 = 12 × 2 = 14। अब देखिए इसमें भी ए है उसमें भी ए है, ए कितना ए लिखा है जी, कुल में है ना, ना ना 27 16 में बी होगा, किताब में देखो दे, बी है उसको, चलो पकड़ा यहाँ पे बी करो, वहां पर भी बी कर दो, चलो ठीक हो गया। अब हो जाएगा जी 144 एक ए अभी के बी, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। उसी तरह फिर 36 में कितना का हुआ जी? 3 का, तो कितना आएगा? 108। 3 का गुणा करने के लिए बोल रहे हैं। अब फिर ये भी बताओ, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तो वहां पे प्लस है ना, अब उसी को लिख दिया, इसको अब 3 बार लिख देंगे, यानी 4A − 3B³ को आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यही वाला सवाल, यानी तोड़ते जाएंगे, इसको 3 बार लिख देंगे, सही है। चलिए उतार लीजिए, चलो देखो, यानी 27PQ है तो क्या करेंगे इसको? 3 3P³ कर देंगे, तितली के नाम, यानी 3 को लिखेंगे 3 बार, तितली के नाम नतीली 27 हो जाएगा ना, पी का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू। इसी तरह इसको −1/6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का 3 बार गुणा होता है तो क्या होता है? 36, 36 में 6 का होता है तो 216। इसी तरह इसको लिखिए, देखिए 3 × 1 के जगह पर कितना है आपका? 3P, यानी इतना लाना है आपको, फिर गुणा कितना हो जाएगा? 1/6। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या? 3P − 1/6। एक बार हम करके दिखा रहे हैं आप लोग को गुणा, देखिए ये जीव का लिख रहे हैं PQ − 1/6³। 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6। 3 में 3 का गुणा होगा तो कितना होगा? अब पहले ये माइनस है, इसके आगे क्या है? प्लस, तो तितली के 9। अब पी में पी का होगा तो पी स्क्वायर होगा, क्यों नहीं होता, पी स्क्वायर। अब अट्टा में क्या हो जाएगा? आ रहा है ना ये। फिर इसी तरह माइनस का माइनस में होगा तो क्या होगा? 3 में कम 3, फिर ना ये कटेगा, देखिए 3 × 1 आ कितना है, यानी 3P ऐसे लिख रहे हैं, 3P अब अट्टा में 2 × 1/6, 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, पी ऊपर हो जाएगा, 2 × 2 = 4 आ रहा है, तो यानी यही चीज यहाँ पर आना है तो क्या आएगा? 1/4 समझ गए, गुणा किया है। अब इसको किस तरह लिखेंगे ये वाले चीज को? 3P − 1/6 इसको कितना बार लिखना है? 3P, यही हो गया आपका आंसर, उतार लीजिए।